हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में आपके बॉटनी फर्स्ट पेपर, बॉटनी सेकेंड पेपर एंड बॉटनी थर्ड पेपर के सभी क्वेश्चन मिलेंगे। सो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें आपके 1 to 16 क्वेश्चन अपलोड है, आप जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सेल ऑफ माइक्रोगैमेटोफाइट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए एंथ्रोजॉइट, ऑप्शन बी माइक्रोगैमेट, ऑप्शन सी माइक्रोस्पोर एंड ऑप्शन डी माइक्रोस्पोरोफाइट। और सेम क्वेश्चन यही देखिए यहाँ पे हिंदी में दिया गया है, लघु गैमेटोफाइट की सर्वप्रथम कोशा होती है, ऑप्शन ए एंथ्रोजॉइट, ऑप्शन बी माइक्रोगैमेट, ऑप्शन सी माइक्रोस्पोर एंड ऑप्शन डी माइक्रोस्पोरोफाइट। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन सी माइक्रोस्पोर। सो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में टिक लगा लीजिएगा, मैं यहाँ पे बस आपको इंग्लिश में बताऊंगी, आप हिंदी साथ साथ में पढ़ते जाइएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस रिमेन सराउंडेड बाय, ऑप्शन ए एपिथीलियम, ऑप्शन बी एक्जोथेसियम, ऑप्शन सी एंटूगमेंट्स एंड ऑप्शन डी एपिस्टेस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी एंटूगमेंट्स। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज राइट, एंटूगमेंट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक इज, ऑप्शन ए मोनोस्पोरिक फॉर 4 न्यूक्लिएट, ऑप्शन बी मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट, ऑप्शन सी बाईस्पोरिक 8 न्यूक्लिएट, ऑप्शन डी टेट्रास्पोरिक 8 न्यूक्लिएट। अब देखिए यहाँ पे हिंदी में भी यहाँ पे दिया गया है, सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लियस, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, मोनोस्पोरिक 8 न्यूक्लियट इज राइट। आप साथ में हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा, मैं हिंदी नहीं एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्योंकि हिंदी तो हिंदी होती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट इज एसेंशियल फॉर ऑटोगैमी, ऑप्शन ए डायोसियस प्लांट, ऑप्शन बी मोनोसियस प्लांट, ऑप्शन सी बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी बाइसेक्सुअल फ्लावर। सो यहाँ पे हम ऑप्शन सी पे टिक लगाएंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल फर्टिलाइजेशन इज रेगुलरली फाउंड इन, ऑप्शन ए एल्गी, ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी ऑल सीड प्लांट्स एंड ऑप्शन डी ब्रायोफाइट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी एंजियोस्पर्म्स, ऑप्शन बी इज राइट। यहाँ पे इसका हिंदी भी एक्सप्लेन किया होगा, आप इसको भी देख लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकोनट मिल्क रिप्रेजेंट लिक्विड, ऑप्शन ए न्यूसिलस, ऑप्शन बी फीमेल गैमेटोफाइट, ऑप्शन सी सीड लेटेक्स एंड ऑप्शन डी एंडोस्पर्म। सो देखिए यहाँ पे इसका हिंदी क्या है, नारियल का दूध होता है द्विवी, ऑप्शन ए बीजांडकाय, ऑप्शन बी फीमेल गैमेटोफाइट, ऑप्शन सी बीज का लेटेक्स एंड ऑप्शन डी ब्रूड पोज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी एंडोस्पर्म। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। ये हो गया आपका 22 क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीट एम्ब्रियो हैज ऑप्शन ए 1 कॉटिलीडन, ऑप्शन बी 2 कॉटिलीडन्स, ऑप्शन सी सेवरल कॉटिलीडन्स एंड ऑप्शन डी नो सस्पेंसर्स। सो आपको पता है जो व्हीट एम्ब्रियो होता है उसके पास कितने कॉटिलीडन होते हैं, देखिए यहाँ पे इसका हिंदी में दिया है, गेहूं के भ्रूण में होता है, ऑप्शन ए एक बीजपत्र, ऑप्शन बी 2 बीजपत्र, ऑप्शन सी अनेक बीजपत्र एंड ऑप्शन डी सस्पेंसर अनुपस्थित। सो जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए 1 कॉटिलीडन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड, ऑप्शन ए पार्थिनोजेनेसिस, ऑप्शन बी पार्थिनोकॉर्पिक, ऑप्शन सी पॉलीएम्ब्रियोनी एंड ऑप्शन डी पॉलीगैमी। हिंदी में देखिए, बिना निषेचन के फलों का निर्माण कहलाता है, ऑप्शन ए पार्थिनोजेनेसिस, ऑप्शन बी पार्थिनोकॉर्पिक, ऑप्शन सी पॉलीएम्ब्रियोनी एंड ऑप्शन सी पॉलीगैमी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी पार्थिनोकॉर्पी। पार्थिनोकॉर्पी में क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है उसे हम करेक्ट कर देंगे या टिक लगा देंगे। वहाँ पे जो आपके पेपर होंगे वहाँ पे टिक नहीं लगाना है, आपको ओएमआर सीट मिलेगा उसमें आपको फिल करना है उसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, एपिडर्मल आउटग्रोथ आर कॉल्ड, ऑप्शन ए थॉर्न्स,
ऑप्शन बी ट्राइकोम्स, ऑप्शन सी रूट हेयर्स एंड ऑप्शन डी बर्ड्स। हिंदी में देखिए एपिडर्मल आउटग्रोथ कहलाती है, ऑप्शन ए कांटे, ऑप्शन बी ट्राइकोम्स, ऑप्शन सी मूल रोग एंड ऑप्शन डी कलिका। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी ट्राइकोम्स। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी को करेक्ट करेंगे, टिक लगा देंगे, ट्राइकोम्स इज राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरिसाइकल ऑफ फ्रूट इज मेड अप ऑफ, ऑप्शन ए पेरेन्काइमा, ऑप्शन बी कोलेन्काइमा, ऑप्शन सी स्क्लेरेन्काइमा एंड ऑप्शन डी फाइबर्स। हिंदी में देखिए पेरिसाइकल ऑफ फ्रूट जड़ बनी होती हैं, जो पेरिसाइकल रूट होती है वो किसकी बनी होती हैं, पेरेन्काइमा की, कोलेन्काइमा की, स्क्लेरेन्काइमा की एंड फाइबर्स की। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, वेस्कुलर कैम्बियम गिव्स राइज टू, ऑप्शन ए जाइलम एंड फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम फ्लोएम एंड एस्कुलर रेस, ऑप्शन सी जाइलम एंड मेडुलरी रेस एंड ऑप्शन डी फ्लोएम एंड बार्क। सो राइट आंसर इज जाइलम एंड फ्लोएम, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ हिंदी में देखिए क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम बनता है ऑप्शन ए जाइलम और फ्लोएम को, ऑप्शन बी जाइलम फ्लोएम और वेस्कुलर रेस को, ऑप्शन सी जाइलम तथा मज्जा रेसिमो को, डी ऑप्शन क्या है फ्लोएम तथा बार्क को। सो राइट आंसर होगा जाइलम और फ्लोएम से, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इन, ऑप्शन ए जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकॉट्स, ऑप्शन बी डायकॉट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, ऑप्शन सी ऑल एंजियोस्पर्म्स एंड ऑप्शन डी ओनली जिम्नोस्पर्म। सो राइट आंसर है आपका यहाँ पे ऑल एंजियोस्पर्म, ऑप्शन सी इज राइट। सो हम यहाँ पे ऑप्शन सी पे टिक लगा देंगे कि क्योंकि ये सही है आपका, सभी एंजियोस्पर्म में द्वितीय वृद्धि पाई जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, ए मोनोकॉट स्टेम शोइंग सेकेंडरी ग्रोथ इज, ऑप्शन ए कोकास में, ऑप्शन बी बोगनवेलिया में, ऑप्शन सी ड्रेसिना में या ऑप्शन डी निकटेंथस में। सो क्या होता है, एक बीज पत्री के तने में द्विवितिक वृद्धि पाई जाती है। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ड्रेसिना, ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि जो ड्रेसिना है वो मोनोकॉट स्टेम है, बट इसमें जो क्या एक्सेप्शन क्या है कि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, ठीक है। तो ड्रेसिना पे आपका करेक्ट आंसर होगा और यहाँ पे जो सी है उसको टिक लगा देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एन एग्जांपल ऑफ डायकॉट स्टेम विथ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल इज, ऑप्शन ए बोरहविया, ऑप्शन सी निम्फिया, सॉरी ऑप्शन बी निम्फिया, ऑप्शन सी कुकरबिटा एंड ऑप्शन डी ड्रेसिना। अब हिंदी में देखिए इसको बिखरे वेस्कुलर बंडल वाले द्विबीजपत्री तने का उदाहरण होता है, ऑप्शन ए बोरहविया, ऑप्शन बी निम्फिया, ऑप्शन सी कुकरबिटा एंड ऑप्शन डी ड्रेसिना। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका बोरहविया, इसमें आपका क्या होता है, ये आपका एक स्कैटर्ड जो वेस्कुलर बंडल होते हैं डायकॉट में, इसका एक एग्जाम्पल है। अब नाउ नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31, पॉलिन ग्रेन्स आर कंसिडर्ड एज, ऑप्शन ए मेल गैमिटोफाइट, ऑप्शन बी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ऑप्शन सी पार्शियली ओवरलैप मेल गैमिटोफाइट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हिंदी में, चलिए देखते हैं। परागकणों को माना जाता है, ऑप्शन ए नर युग्मक, ऑप्शन बी नर जननांक, ऑप्शन सी आंशिक रूप से विकसित नर गैमेटोफाइट एंड ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो होगा आपका मेल गैमेटोफाइट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो यहाँ पे नर युग्मक पे टिक लगाएंगे और यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट पे टिक लगाएंगे। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन, सो यहाँ पे जो देखिए कंपाउंड्स पॉलन ग्रेन्स आर फाउंड इन जो दिया है हिंदी में, देखिए संयुक्त परागण पाए जाते हैं। सो यहाँ पे जो ऑप्शन देना चाहिए वो नहीं दिया है,
यहाँ पे मैं क्या करूँगी, आपको फिर भी बता देती हूँ कौन सा राइट आंसर होगा। अगर ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं तो आपका जो होगा एक्सक्लेपियास में सही होगा, इसमें कंपाउंड लीफ कंपाउंड पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन है वो गलत दिया गया है, नॉन ऑफ डेज रहता तो वहाँ पे नॉन ऑफ डेज हो जाता, लेकिन ऐसा अभी इस ऑप्शन में जो दिया है वो इसमें से कुछ पता नहीं चल रहा है। मैं बताऊँगी जो मैंने सर्च किया है तो मुझे ऑप्शन ए सही लगा है, मीन्स ऑप्शन ए ही करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, पॉलिनिया आर फाउंड इन, पॉलिनिया किस में पाए जाते हैं। जो मदार का पौधा होता है आपने देखे होंगे, जो गांव में होते हैं वो जानते होंगे और देखे भी होंगे, उसमें पॉलिनिया पाए जाते हैं और वो दोनों ज्वाइंट होते हैं। हिंदी में देखिए पॉलिनिया पाए जाते हैं ऑप्शन ए निकोटियाना में, ऑप्शन बी फाइसेलिया में, ऑप्शन सी कैलोट्रॉपिस में, या ऑप्शन डी हेबिस्कस में। जो राइट आंसर है वो है आपका कैलोट्रॉपिस, मीन्स मदार में आपके पॉलिनिया पाए जाते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, फिनोटिपिक रेशियो इन ट्राई हाइब्रिड क्रॉस इज, ऑप्शन ए 9:3:3:1, ऑप्शन बी 1:2:2:2:4:1:2:1:2, ऑप्शन सी 27:9:9:9:3:3:1, या ऑप्शन डी नॉन करेक्ट। अब यहाँ पे इसको हिंदी में भी देख लीजिएगा, थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है लेकिन आपको समझ में आ जाना चाहिए, फिनोटिपिक अनुपात होता है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में, यही हिंदी में दिया है और ऑप्शन भी आपका यही है। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है 34 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट है, 27:9:9:3:3:1। ये हो गया आपका फिनोफिटिक रेशियो इन ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज, ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी डी वेरीज, ऑप्शन सी डार्विन एंड ऑप्शन डी लैमार्क। हिंदी में देखिए फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, मेंडल को, डीवीज को, या डार्विन को, या लैमार्क को। यहाँ पे जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं वो कौन है, मेंडल हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, मेंडल पे टिक लगा देंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीप्लॉयडी कैन बी प्रोड्यूस बाई, ऑप्शन ए रेडिएशन, ऑप्शन बी यूवी रेज, ऑप्शन सी कोलिसिसिन एंड ऑप्शन डी नाइट्रस एसिड। हिंदी में भी वही सेम है, पॉलीप्लॉयडी बनाए जाते हैं रेडिएशन द्वारा, अल्ट्रावायलेट रेज द्वारा, कोलिसिसिन द्वारा, या नाइट्रस एसिड द्वारा। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो आपका है कोलिसिसिन, कोलिसिसिन द्वारा आपका पॉलीप्लॉयडी जो है वो प्रोड्यूस होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, क्रोमोजोम्स नंबर ऑफ फाइजम सटाइबम इज, ऑप्शन ए 2n=12, ऑप्शन बी 2n=14, ऑप्शन सी 2n=16 एंड ऑप्शन डी n=4। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। और हिंदी में भी सेम यही ऑप्शन है और क्वेश्चन भी है, पाइजम सटाइबम में क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n=14, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी पुणे एंड ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। हिंदी में भी इसका आंसर देख लेते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है ऑप्शन ए लखनऊ में, हैदराबाद में, पुणे में, या नई दिल्ली में। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका न्यू दिल्ली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, रेशियो 9:3:3:1 इज ड्यू टू, ऑप्शन ए डुप्लीकेट जीन्स, ऑप्शन बी लेथल जीन्स, ऑप्शन सी मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड ऑप्शन डी डाई हाइब्रिड क्रॉस। हिंदी में भी सेम वही अनुपात 9:3:3:1 पाया जाता है डुप्लीकेट जीन में, लेथल जीन में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, या डाई हाइब्रिड संस्करण में। इसका राइट आंसर है डाई हाइब्रिड क्रॉस, मीन्स ऑप्शन डी इज राइट, डाई हाइब्रिड संकरण में पाया जाता है, आपका जो अनुपात होता है कितना होता है 9:3:3:1। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इन डुप्लीकेट जीन द रेशियो इज, ऑप्शन ए 15:1, ऑप्शन बी 13:1, ऑप्शन सी 9:3:4 एंड ऑप्शन डी 2:1। अब यहाँ पे हिंदी में देखते हैं, डुप्लीकेट जीन में अनुपात होता है ऑप्शन ए 50:1, ऑप्शन बी 13:3, ऑप्शन सी 9:3:4 एंड ऑप्शन डी
2:1। सो जो आपका राइट आंसर है वो है आपका 15:1। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स ड्यूरिंग मियोसिस 8। ऑप्शन ए एनाफेज फर्स्ट, ऑप्शन बी प्रोफेज फर्स्ट, ऑप्शन सी एनाफेज सेकेंड एंड ऑप्शन डी इंटरफेज। 41 में हिंदी में देखिए क्या, अर्धसूत्रण के दौरान जीन विनियम पाया जाता है। ऑप्शन ए एनाफेज फर्स्ट में, ऑप्शन बी प्रोफेज फर्स्ट में, ऑप्शन सी एनाफेज सेकेंड में या ऑप्शन डी इंटरफेज में। सो जो राइट आंसर है वो है आपका एनाफेज फर्स्ट, मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे हम एनाफेज फर्स्ट में टिक लगा देंगे, ऑप्शन ए है जो आपका करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इज ऑप्शन ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी बीरबल सहानी, ऑप्शन सी डॉक्टर बी पी पाल, ऑप्शन डी प्रोफेसर के सी मेहता। हिंदी में भी देख लेते हैं, भारत के हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी बीरबल सहानी, ऑप्शन सी डॉक्टर बी पी पाल एंड ऑप्शन डी प्रो के सी मेहता। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो है आपका डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। सो ऑप्शन ए इज राइट, यहाँ पे ऑप्शन ए पे टिक लगा देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 43। मेन फंक्शन ऑफ राइजोम इज ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी रेस्पायरेशन, ऑप्शन सी प्रोटीन सिंथेसिस एंड ऑप्शन डी फैट सिंथेसिस। हिंदी में भी देख लेते हैं, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है। ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी प्रोटीन संश्लेषण या ऑप्शन डी वसा संश्लेषण। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रोटीन सिंथेसिस। मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज प्रोटीन सिंथेसिस, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 44। पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड, ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी राइजोम, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑप्शन डी लाइसोम। सो यहाँ पे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को या लाइसोसोम को। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल वाज गिवन बाय, ऑप्शन ए लैमार्क एंड डार्विन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन डी ह्यूगो डी वेरीज। हिंदी में भी इसे देख लेते हैं, डीएनए का द्विक्राकार कुंडलिनी मॉडल प्रस्तुत किया गया है लैमार्क तथा डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने, वाटसन तथा क्रिक ने या ह्यूगो डी वेरीज ने। सो 45 का जो राइट आंसर है वो है आपका वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन सी इज राइट। सो यहाँ पे ऑप्शन सी पे टिक लगा देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 46। हु डिस्कवर्ड लाइसोसोम, ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी ह्यूगो डे वेरीज एंड ऑप्शन डी डी ड्यूवे। ठीक है, अब हिंदी में देखिए, लाइसोसोम की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने, डार्विन ने, ह्यूगो डी वेरीज ने या डी ड्यूवे ने। सो राइट आंसर इज डी ड्यूवे, मीन्स ऑप्शन डी इज राइट, डी ड्यूवे डिस्कवर लाइसोसोम। नाउ क्वेश्चन नंबर 47। विच बेस इज नॉट फाउंड इन डीएनए, ऑप्शन ए एडेनिन, ऑप्शन बी ग्वानिन, ऑप्शन सी यूरेसिल एंड ऑप्शन डी साइटोसिन। सो हिंदी में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बेस डीएनए में नहीं पाया जाता है। एडेनिन तो पाया जाता है, ग्वानिन भी पाया जाता है, यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में आपके प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल गया कि आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है और साइटोसिन भी पाया जाता है। सो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यूरेसिल इज नॉट फाउंड इन डीएनए। यूरेसिल कहाँ पाया जाता है, आपके आरएनए में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट सीन इन, ऑप्शन ए टेलोफेज, ऑप्शन बी प्रोफेज, ऑप्शन सी एनाफेज एंड ऑप्शन सी मेटाफेज। सो जो गुणसूत्रों की रचना किस अवस्था में साफ दिखाई देगी, टेलोफेज में, प्रोफेज में, एनाफेज में या मेटाफेज में।
सो राइट आंसर जो होगा होगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। मेटाफेज में जो आपके गुणसूत्रों की रचना होती है एकदम साफ दिखाई देती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, हु नेम्ड माइटोकॉन्ड्रिया? ऑप्शन ए अल्टमान, ऑप्शन बी बेंडा, ऑप्शन सी कोलिकर एंड ऑप्शन डी कोहन। हिंदी में देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने रखा? ऑप्शन ए अल्टमान, ऑप्शन बी बेंडा, ऑप्शन सी कोलिकर, ऑप्शन डी कोहन। सो राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो थे वो सी बेंडा ने दिया था। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो आपके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं क्वेश्चन में से आपको उठा के दे दिए जाएंगे, और मीन्स जैसे कि डीएनए में पूछा गया था क्या नहीं पाया जाता, वैसे ही वहाँ पे आपको आरएनए का पूछा जा सकता है कि आरएनए में क्या प्रेजेंट होता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके घूम फिर के इसी में से बनने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 एंड दिस क्वेश्चन आर लास्ट। जीन्स आर मेड अप ऑफ ऑप्शन ए एटीपी, ऑप्शन बी एनएडी, ऑप्शन सी डीएनए एंड ऑप्शन डी आरएनए। हिंदी में देख लेते हैं, जीन्स बनी होती हैं ऑप्शन ए एटीपी से, ऑप्शन बी एनएडी से, ऑप्शन सी डीएनए से या ऑप्शन डी आरएनए से। सो जो जीन्स बने होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो आपके डीएनए से बने होते हैं। सो यहाँ पे जो आपका सी है वो राइट है। सो ये हो गए आपके 17 से 15 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है कानपुर का पेपर है, और इसी क्वेश्चन में से जहाँ पेपर नहीं हुआ है वहाँ पे पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं स्टूडेंट से कहूँगी इन क्वेश्चन को ज़रूर देखें और एकदम अच्छे से पढ़ के जाएं। और पेपर हार्ड नहीं था, नॉर्मल था। सो इस तरह से आपके हर जगह क्वेश्चन पेपर आएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं। आप अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छे से पढ़िए और दिमाग कॉन्सेंट्रेट एक जगह करके पढ़िए, और ये मत सोचिए कि मुझे पता नहीं एमसीक्यू में क्या होगा क्या नहीं। आपके जो क्वेश्चन होंगे एकदम नॉर्मल होंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।